नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त है खबरें सुपरफास्ट का। पहाड़ों पर कुदरत का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी रोड पर भूस्खलन की वजह से पहाड़ का मलबा आ गिरा और सड़क का 100 मीटर हिस्सा टूट गया। मोरी गांव में भी भारी बारिश ने कहर ढाया। पहाड़ दरकने से मलबा लोगों के घरों में जा घुसा। गांव के सभी मार्ग और पुल ध्वस्त हो गए हैं। SDRF की टीम ने अस्थायी लकड़ी का पुल बनाकर 75 लोगों का रेस्क्यू किया है। बागेश्वर में भी आसमान से आफत की बरसात हो रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से कपकोट इलाके का पुल देखते ही देखते बह गया। एक कार भी इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, सभी ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। इस इलाके में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। पीपलकोटी गांव के पास भूस्खलन हुआ और पहाड़ का मलबा रोड पर आ गिरा। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हाईवे से गुजर रही गाड़ियां सड़क पर पड़े मलबे की वजह से फंस गई हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन की भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून में बुधवार को कुछ घंटों की बारिश के दौरान ही शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। सड़कें जलमग्न हो गईं और गाड़ियां पानी में डूब गईं। देहरादून में कई जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी संगम पर बनी शिव प्रतिमा बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब गई है। नदी तट की ऊंचाई पर बनी भगवान शिव की यह प्रतिमा करीब 15 फीट ऊंची है। संगम स्थल पर नदी के खतरे के निशान को पार कर चुकी है और विकराल रूप लेती जा रही है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और करीब 21 जिलों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। 16 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। SDRF के मुताबिक बुधवार को बारपेटा, कोकराझार और कामपुर जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में घुघारी तबाही मचा रही है। कई जगहों पर तटबंध टूटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। तेज बहाव की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गोपालगंज में करीब 55 ग्राम पंचायत के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। अब तक करीब 1.25 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दरभंगा में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों ने दरभंगा समस्तीपुर रोड पर शरण ली है। बाढ़ का पानी स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। जिले में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में टेनी बांध टूटने से मुख्य बांध पर दबाव बढ़ गया है और कई जगहों से पानी का रिसाव हो रहा है। पहले ही बाढ़ की त्रासदी झेल रहे ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि प्रशासन बांध के पानी को रोकने के इंतजाम में जुटा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, लेकिन उनके खाने पीने तक का इंतजाम नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। अनलॉक 3 के गाइडलाइंस में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी और दूसरे जरूरी प्रोटोकॉल के साथ इजाजत दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद सिनेमा हॉल और मेट्रो को खोलने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन MHA की ओर से अनलॉक 3 के लिए जारी गाइडलाइंस में ये साफ किया गया है कि फिलहाल मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्कों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। अनलॉक 3 में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने की मनाही जारी रहेगी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है।
पिछले 24 घंटे में देश भर में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में मरीजों की संख्या 15,31,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 768 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 34,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 4,00,000 के पार पहुंच गई। अब तक राज्य में 14,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महानगरी में मरीजों की कुल संख्या 1,12,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात लगातार सुधर रहे हैं। देश की राजधानी में रिकवरी रेट करीब 89% हो गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या 6,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,035 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 1,33,000 से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। पटना सिटी के फतुहा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत की गई है। इस बैंक में फिलहाल 22 सिलेंडर का इंतजाम किया गया है। इलाके के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले कोई पैसे नहीं देने होंगे। बकरीद को देखते हुए जम्मू कश्मीर में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। श्रीनगर समेत दूसरे इलाकों से 3 दिनों के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों को हटा दिया गया है, ताकि लोग त्योहार की तैयारियां कर सकें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोरोना मुक्ति के लिए 24 दिनों से खास पूजा की जा रही है। शहर के विश्वकर्मा मंदिर में पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हर रोज सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रुद्राभिषेक करने के बाद शाम को नदी में प्रवाहित किया जाता है। राम मंदिर की एक्सक्लूसिव 3D तस्वीरें आ गई हैं। रामनगरी अयोध्या में बनने वाला भव्य मंदिर 3 मंजिल का होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी, जबकि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। गर्भगृह, सिंह द्वार, अग्रभाग, नृत्य मंडप और रंग मंडप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ 200 मेहमान 5 अगस्त को अयोध्या पधारेंगे। लंबे इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई है, जिसका साधु संत और राम भक्तों को इंतजार था। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक घड़ी में रामलला को रत्न जड़ित और हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। ये पोशाक अयोध्या के ही एक संत कल्कि राम भगवान रामलला के लिए सिलवा रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन रामलला इसी वस्त्र को धारण करेंगे। राजस्थान के बरौली स्थित घटेश्वर मंदिर से चुराई गई भगवान शिव की मूर्ति ब्रिटेन से स्वदेश वापस लाई जा रही है। ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार 10वीं शताब्दी की ये मूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वे को भेजी गई है। ये मूर्ति 1998 में घटेश्वर मंदिर से चुराई गई थी। उच्चायोग ने ब्रिटेन की सरकार के सहयोग से इस मूर्ति को भारत भेजने में सफलता हासिल की है। विदेश में फंसे 145 भारतीय कल रात किर्गिस्तान से लौटे। मिशन वंदे भारत के तहत सभी को स्पेशल फ्लाइट से भारत लाया गया। इनमें 100 से ज्यादा यात्री इंदौर के हैं। सभी यात्रियों की मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग की। इंदौर के यात्रियों को होटलों में क्वारंटीन किया गया। इंदौर के बाहर के यात्री अपने अपने जिलों में क्वारंटीन होंगे। बकरीद पर खरीदारी के लिए राजधानी में दिल्ली गेट पर काफी खरीदार जुटे। कुर्बानी के लिए बकरा लेने वालों की भारी भीड़ थी। लोगों ने ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, ना ही कोरोना का कोई खौफ दिखा। कैमरा देख पुलिस हरकत में आई तो लोग छटने लगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिया ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है, जिसमें 2 जगह जांच से होने वाली परेशानी का हवाला दिया गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने 2 दिन पहले पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस की CBI जांच से महाराष्ट्र सरकार ने इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि मामले में CBI जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है। इससे पहले चिराग पासवान ने उद्धव से बात की थी।
वहीं तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सुशांत सिंह की मौत की जांच को लेकर उद्धव से बात करने की मांग की है। पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन का बयान दर्ज किया है। वहीं पटना पुलिस ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही है। पटना पुलिस रिया की FIR को लेकर मुंबई में है, जहां दो टीमें मामले की जांच कर रही है। एक टीम सुशांत के अकाउंट को लेकर पड़ताल कर रही है। चार सदस्यों वाली पटना पुलिस ने मुंबई में जांच तेज कर दी है। बुधवार को सुशांत के उन बैंक खातों की जांच खंगाली गई, जिनसे 15 करोड़ रुपए रिया के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप सुशांत के पिता KK सिंह ने लगाया है। पुलिस ने सुशांत के कुछ खातों की बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना के राजीव नगर में दर्ज FIR में सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि रिया ने दबाव डालकर सुशांत की कंपनियों में खुद को और अपने परिजनों को डायरेक्टर बनवाया और पैसे हड़पे। आज तक को सुशांत की ऐसी 3 कंपनियों की जानकारी मिली है। पहली कंपनी सुशांत ने अप्रैल 2018 में बनाई, जिसका पता गुरुग्राम का है। इसका नाम इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। इसमें 3 निदेशक थे, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा और खुद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में बनाई, इसका पता मुंबई के पास पनवेल का दिया गया है। इसका नाम विवी ड्रैज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसमें निदेशकों में रिया और उनके भाई शौविक का नाम है। सुशांत भी इस कंपनी में निदेशक थे। सुशांत सिंह राजपूत ने तीसरी कंपनी जनवरी 2020 में बनाई, इसका नाम फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड रखा। इसमें भी निदेशक रिया के भाई शौविक और खुद सुशांत सिंह थे। मुंबई पुलिस अब तक इस मामले में करीब 38 फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा से लेकर महेश भट्ट तक शामिल हैं। बॉलीवुड में चर्चा है कि रिया चक्रवर्ती फिल्म जलेबी की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के नजदीक रही हैं और उनसे अपने करियर को लेकर सलाह मशवरा करती रही हैं। हालांकि महेश भट्ट के करीबी डायरेक्टर विक्रम भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इन्हें पुरानी बातें कहकर खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ADJ मर्डर केस में पुलिस ने एक महिला मित्र सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 26 जुलाई को ADJ महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे की जहर की वजह से मौत हुई थी। पुलिस के महेंद्र कुमार त्रिपाठी की महिला मित्र संध्या सिंह ने लेन देन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची थी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 2.5 लाख के नकली नोटों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नकली नोटों में 100 और 500 और 2000 के नोट शामिल हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश सिवान के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने परशुरामपुर करबला के पास तस्करों की घेराबंदी की थी, हालांकि इनका एक साथी मौके से फरार हो गया। सहरसा से दिल्ली जा रही वैशाली एक्सप्रेस के शौचालय में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती अपने परिवार के साथ मधेपुरा से दिल्ली जा रही थी। परिजनों का कहना है कि वो बाथरूम गई थी, लेकिन कुछ देर बाद वहां उसकी लाश फंदे में लटकी हुई मिली। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि यह हत्या है या आत्महत्या। बेगूसराय में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें बीहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद का बेटा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यश राजकुमार को कुछ लोगों ने दोस्तों के साथ मिलने के लिए बुलाया था। खाने पीने के दौरान इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ और बदमाशों ने यश और सौरभ को गोली मार दी। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मामला अतवास गांव का है। अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि परिवार ने पहले तो अधिकारियों पर हमला किया और फिर महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने परिवार के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने आप विधायक SK बग्गा की कार से बैटरी चोरी कर ली। वारदात रविवार सुबह गीता कॉलोनी में हुई। स्कूटी से आए चोरों ने मौका देखकर कार को अपना निशाना बनाया और बेहद शातिराना अंदाज में बैटरी निकालकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। बिहार के गया में 3 कुख्यात नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तीनों नक्सली छकरबंदा में सक्रिय थे। CRPF कैंप में सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में जोनल कमांडर सुबेदार यादव, सब जोनल कमांडर मनदीप यादव उर्फ मतला और शशि भुइया उर्फ रवि शामिल हैं। पुलिस को इन तीनों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। सीतामढ़ी के बसोतरा गांव में ग्रामीणों ने दरोगा राजेश कुमार चैटर्जी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हमले में दरोगा लहूलुहान हो गया, जबकि कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। ग्रामीण ठगी के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज थे। दरअसल अखिलेश यादव नाम के शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए साबुन बांटने के नाम पर सैकड़ों गांव वालों के आधार कार्ड और अंगूठे का निशान लिया था, जिसके आधार पर लोगों के खातों से पैसा निकाल लिया गया।
गाजियाबाद में एसएसपी दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। शाहना परवीन नाम की इस महिला के 250 गज के प्लॉट पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। महिला का आरोप है कि भू माफिया से पुलिस की सांठगांठ है। दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यूपी के फतेहपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दो महिलाएं एक दूसरे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही हैं। मारपीट के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ग्रामीणों ने आपसी बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मध्य प्रदेश के इंदौर से हथियारों की खेप लेकर आए थे जो हरियाणा के हिसार जिले में डिलीवरी होनी थी। पकड़े गए बदमाशों में राजेंद्र सिंह नाम का शख्स भी शामिल है जो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। मेरठ में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी करके भारी मात्रा में नकली औषधियां बरामद की हैं। FSDA की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की यह कार्रवाई की थी। 3 जगह मारे गए छापे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों ने टीम पर हमला किया और एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर और माफियाओं की लिस्ट तैयार की है। जल्द ही इन अपराधियों की अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सहारनपुर के SSP एस चन्नप्पा के मुताबिक कानपुर कांड के बाद सूबे में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। हरदोई में पुलिस ने 3 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले एक शख्स को एनकाउंटर में धर दबोचा। मंगलवार रात ईश्वरपाल नाम के इस शख्स ने 3 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस की गोली से घायल हो गया। बाढ़ की मार में कोरोना की घुसपैठ ना हो इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कैंपों में टेस्ट का आदेश दिया। राज्य में सभी राहत कैंपों में एंटीजन टेस्ट होंगे। आधा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। उत्तर बिहार के कई शहर कई गांव में पानी घुसाया है। लोगों के घर डूबे हुए हैं। ऐसे में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें राहत कैंपों में जगह दी गई है। आज तक की खबर के बाद बिहार के कटिहार में प्रशासन हरकत में आया। आज तक ने खबर दिखाई थी कि कैसे चॉकलेट की लालच में जान की बाजी लगाकर छोटे छोटे बच्चे गैस सिलेंडर लेकर नदी पार करते हैं। नदी के पार गैस एजेंसी है जहां से लेकर नदी पार करने में नाव वाले काफी भाड़ा लेते हैं। ऐसे में बच्चे सिर्फ चॉकलेट के लिए ये जोखिम भरा काम करते हैं। सहरसा में कोसी नदी का पानी कम जरूर हुआ है लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। कई गांव डूबे हुए हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। ऐसे में एक महिला नाव चलाकर लोगों का पेट भर रही है। उर्मिला देवी खुद 3 किलोमीटर नाव चलाकर लोगों को मुख्य सड़क तक छोड़ती हैं और इससे मिले पैसों से लोगों की मदद करती हैं। बिहार के किशनगंज में कनकई नदी की धार में 2 लोग बहते बहते बचे। बहने से बचने के लिए दोनों शख्स बिजली का खंभा पकड़कर बचने की कोशिश करते हैं लेकिन तेज बहाव में खंभा समेत बहने लगते हैं। बाद में एक गांव वाला मदद के लिए आगे आता है और दोनों को बचाता है। लंबी खींचतान के बाद राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त को तय हो गया है। बुधवार को गहलोत कैबिनेट ने सत्र बुलाने का 4th प्रस्ताव भेजा जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। इससे पहले 3 प्रस्तावों को राज्यपाल सवालों के साथ वापस लौटा चुके हैं। बुधवार को सीएम गहलोत और स्पीकर CP जोशी ने राज्यपाल से मुलाकात की। BSP से कांग्रेस में आए 6 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछा कि इस मामले में 6 महीने बाद क्यों आपत्ति उठाई जा रही है। BJP विधायक मदन दिलावर और BSP की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। हाईकोर्ट दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कामकाज संभाल लिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस मौके पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी, साथ ही कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखने की नसीहत दी। इस पर डोटासरा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए पार्टी में लौटने की नसीहत दी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी भी
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जोशी ने हाई कोर्ट के फैसले को अपने संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। राजस्थान हाई कोर्ट स्पीकर को पायलट खेमे के विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। राजस्थान राजभवन में इस बार 15 अगस्त को होने वाला एट होम कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। कोरोना संकट के चलते राज्यपाल ने यह कार्यक्रम रद्द करने का आदेश दिया है। दुनिया में कोरोना का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या 1,70,00,000 पार कर गई है और 6,64,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 45,00,000 से ज्यादा है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 25,00,000 हो गया है। हांगकांग में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख प्रशासन ने प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। इसके तहत अब रेस्टोरेंट या किसी भी सार्वजनिक जगह पर खाने पर पाबंदी होगी। इससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हांगकांग में रोजाना कोरोना के औसतन 100 नए संक्रमित मिल रहे हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद किम जोंग उन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही राजधानी प्योंगयांग को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है। अब तक उत्तर कोरिया में 1200 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। ब्रिटेन ने कोरोना से निपटने के लिए GSK से 6 करोड़ वैक्सीन डोजेस की डील साइन की है। अभी ये वैक्सीन भी ट्रायल फेज में है। इससे पहले ब्रिटेन ने 3 करोड़ डोजेस की डील BioNTech से और 10 करोड़ डोज की डील AstraZeneca से साइन की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर एक ताजा सर्वे में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन ने 10 अंकों की बढ़त ले ली है। इन दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन को लेकर इसी तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। इन सर्वे में ये पता किया जा रहा है कि जनता इन दोनों में से किसे अधिक पसंद कर रही है। कोरोना संकट के बीच सऊदी अरब से मक्का में हज की शुरुआत हुई। इस साल हज यात्रियों के लिए यहाँ बहुत कुछ बदला सा है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते यात्रा के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। साथ ही लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। तीर्थयात्रियों के एक जत्थे में 20 से ज्यादा लोगों को नहीं रखा गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की 6 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इमारतों में लगी आग इतनी भयानक थी कि सैकड़ों मीटर दूर से ही आग की लपटों और धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने वाली कंपनी ने स्पेसशिप के इंटीरियर का फर्स्ट लुक जारी किया है। दुनिया भर से 600 लोग अंतरिक्ष में सैर के लिए अब तक आवेदन कर चुके हैं। स्पेसशिप में अंतरिक्ष से धरती के नजारों को देखने के लिए 12 विंडो की व्यवस्था है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।